अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रैमर रूल। पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्रैमर रूल के थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रैमर रूल भी इन्वर्जन मेथड की तरह बहुत ही आसान रूल है। इसमें सिर्फ आपको देखना ही है कि ये इसको हम नाम देंगे ए मैट्रिक्स को, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स देंगे इसको, ठीक है। ये वेक्टर है एक्स पूरा, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पड़ी हुई है, और ये बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब देखें, जब आप ये ए मैट्रिक्स देखें, ठीक है, ए मैट्रिक्स 2 -2 3 2, 2 -2 3 2 ए मैट्रिक्स है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, -2 × 3 -2 × 3, -3 2 ज़ार 6, 4 + 6 = 10, ठीक है। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हमने जानना ये है कि ये ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बना है। ये ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सिर्फ समझें। देख, आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, देखें एक्स के कोफिशेंट क्या हैं आपके पास। ये एक्स के कोफिशेंट हैं 2 3, ठीक है। ये जो एक्स के कोफिशेंट हैं, क्योंकि हमने ए एक्स फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है हमने, तो ये ए एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है ना, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स के जो वैल्यूज़ हैं ये एक्स की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 6, यानी 4 6, और ये वाई वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, -2 2। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इसमें जो बी की वैल्यूज़ थी इनको हमने रिप्लेस कर दिए एक्स की दो वैल्यूज़ के साथ, एक्स की जो एक्स के कोफिशिएंट थे इनके साथ रिप्लेस कर ली। तो 4 6 -2 2, ये हमारे पास एक ए एक्स मैट्रिक्स हमें मिल गया, ठीक हो गया। ये ए एक्स है। अगर ए वाई मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। देखें एग्जैक्टली हम वही काम करेंगे कि ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये देखें ना, 2 -2y + 2y, तो ये जो y वाली वैल्यूज़ हैं ये दो, ये रिप्लेस हो जाएंगी इसके साथ 4 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 2 3 एज इट इज रहेंगी x वाली वैल्यूज़, और जो y वाली वैल्यूज़ हैं इनकी जगह 4 6 आ जाएगा, 4 6। ये अब हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गया, ए वाई मैट्रिक्स मिल गया हमें, ए एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया हमने और ए वाई मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया। तो जब हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, देखें 4 6 -2 2, और ए वाई मैट्रिक्स 2 6, ए वाई मैट्रिक्स जो हमारे पास है, ठीक है, 2 3 4 6, 2 3 और 4 6 ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, ठीक है, 2 3 4 6। यहाँ पे आएगा 2 3 4 6, ठीक है, 2 3 4 6 ये मैट्रिक्स आ गया। अब ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, जब ए एक्स फाइंड कर लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 × 2 4 - 6 × -2, 6 × -2 4, 2 ज़ार 8, -+6 2 ज़ार 12, 8 + 12 = 20, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 20। ए वाई हमने फाइंड किया, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 2 6 ज़ार 2 6 ज़ार × -3 × 4 3 × 4, 2 6 ज़ार 12, -3 4 ज़ार 12, 12 - 12 = 0, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें 0 मिला, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, एक्स एक्स को फाइंड करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये याद रख लें कि एक्स को फाइंड करने का जो फार्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया था, ए एक्स हमने यहाँ निकाला, और यहाँ हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया, क्या है ये 20 है, ठीक है, प्लेस करेंगे 20, और ए का डिटर्मिनेंट 10 है, 10 इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 2 हमें मिल गया, एक्स इज 2। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0। तो इसी तरह ए का डाटा है 10, 0 ओवर समथिंग दैट इज़ 0, 0 मिल गया, एक्स इज़ 2, वाई इज़
ज़ीरो। तो आपने क्रैमर रूल सीखा है कि ए एक्स मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, ए वाई मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, फार्मूला में हम पुट कर लेंगे दोनों को, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x वाई इक्वल टू 1। ये हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स हम ले लेंगे यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बी पार्ट है, और ये एक्स पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो ए हमारे पास क्या है, 2, 1, 6, 5 है, ठीक हो गया। इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 2, 5 are 2 into 5 minus 6 into 1, 2 into 5 10 minus 6 into 1 6 10 minus 6 that is 4। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया ए का 4। ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, 3, 1 को रिप्लेस करेंगे एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, 1, 1, 5 3, 1, 1, 5 हमारे पास ए एक्स आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 5, 3 are 3 into 5 minus 1 into 1 15 minus 1 that is 14। तो 14 हमारे पास ए एक्स आ गया। ए वाई फाइंड करेंगे, वाई की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 और 5, इसको 3, 1 के साथ प्लेस करेंगे, 2, 6, 3, 1 2, 6, 3, 1 ए वाई आ गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 2 into 1 minus 3 into 6, 2 into 1 minus 3 into 6, 2 minus 8, 2 into 1 are 2 minus 3 into 6 18, 2 into 2 minus 18 that is minus 6। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 14। 14 हमारे पास आया था ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और 4 हमें मिला है ए का डिटर्मिनेंट। 14 over 4 7/2, ए वाई ओवर -16 4 4 4, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4 4 4 16, ठीक है, -4, ये वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखते हैं, ये 4 2 3 -1 एक्स वाई 8 -1, ये मिल गया ए हम मैट्रिक्स है 4 2 3 -1। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 4 into -1 plus 2 into 3 4 into -1 -3 into 2, ठीक है, 4 into -4 -3 into 2 6 -10, डिटर्मिनेंट -10 आ गया, ठीक है। ए एक्स कैसे फाइंड किया, 4 3 की जगह हमने 8 -1 इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, 2 -1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, 8 -1 2 -1 एज इट इज रहा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 8 into -1 8 into -1 -1 into 2 -1 into 2 -1 plus 2 हो जाएगा, -8 -8 plus 2 -6 -6 मिल गया। ए वाई 2 -1 की जगह पे हम 8 -1 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 3 एज इट इज रहेगा, 4 3 8 -1 4 3 8 -1 ए वाई आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 4 -1 4 -1 -3 into 8 3 into 8 -4 -24 -28। फार्मूला अप्लाई करें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, -6 और -10 3/5 -10 cancel, 2 3 are 6 2 5 are 10। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई -28 over 10, टू के साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 5 are 10, 2 1 are 2 2 4 are 18, 4/5, ये माइनस का 4/5 होगा, क्योंकि माइनस बल्कि ये -10 है, ठीक है, ये -10 है, माइनस माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा 14/5। तो इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट में देखें, ठीक है, 3x-2y 5x-2y -6 -10, एग्जैक्टली आप क्रैमर रूल अप्लाई करें यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स फाइंड करें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए वाई का डिटर्मिनेंट, फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, और आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स अलहदा करें, एक्स वाई 4, ए एक्स फाइंड करें, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करें, फिर ए एक्स फाइंड करें। और इसी तरह सिक्स पार्ट है, तो यहाँ पे देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है फिफ्थ पार्ट में, तो डिटर्मिनेंट जब 0 हो गया तो इट्स मीन के सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ए का है तो समथिंग ओवर 0, यानी फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ए एक्स ओवर ए, जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आएगा आंसर, तो इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, वाई भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो लिहाजा ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सिक्स पार्ट में देखें, ठीक है, ए निकाला, ए का डेट निकाला, और ये -1 आया, ठीक है, ए एक्स एक्स की वैल्यू को चेंज किया, ठीक है, वाई की वैल्यू को चेंज किया, वाई आ गया,
और इसी तरह यहाँ पे फार्मूले में अप्लाई किए इनकी वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू माइनस सेवन हम फाइंड कर दें। इसलिए सिक्स पार्ट आप देख सकते हैं, कर सकते हैं सिक्स पार्ट को, एट पार्ट को आप इसी तरह एग्जैक्टली कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, अल्लाह हाफिज़।